नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी ने हरियाणा और राजस्थान में विश्नोई से जुड़े करीबियों के एक दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें, पिछले कुछ महीनों में ईडी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बैठे गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्टिव हो चुकी है। इन गैंगस्टर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में कार्यवाही की गई है। इनमें से कुछ गैंगस्टर्स के संबंध खालिस्तानी आतंकियों से भी मिले हैं। फिलहाल ईडी लॉरेंस विश्नोई के सहयोगियों सुरेंद्र चीकू और अन्य के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी राजस्थान और हरियाणा में 13 ठिकानों पर चल रही है। सुरेंद्र चीकू और उसके सहयोगियों पर हरियाणा पुलिस ने अपहरण, हत्या, रंगदारी आर्म्स एक्ट के केस दर्ज किए हैं। प्रवर्तन निर्देशालय के अलावा NIA भी उसके खिलाफ जाँच कर रही है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निर्देशालय के अलावा NIA भी उसके खिलाफ जांच में जुट चुकी है। वहीं सुरेंद्र चीकू के संबंध लॉरेंस विश्नोई के साथ साथ खालिस्तानी आतंकी समूहों से भी है। सुरेंद्र चीकू का काम अपराध के जरिए होने वाली कमाई के पैसे को संभालना है। वहां इस पैसे को खनन, शराब के बिजनेस और टोल में इन्वेस्ट करने का काम भी करता है।